Hello, students, and welcome back to the easy learning classes to study. Today, in this video, we are going to learn the chapter The Coming of Pollyanna. But before starting our chapter, if you have not subscribed my channel, then please subscribe it today, right now. Now, let's begin with the chapter. Pollyanna, an 11 year old girl, goes to live with Aunt Polly, her mother's sister. Aunt Polly prepares the attic in her house for Pollyanna's stay. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी टू लर्न हाउ एक्साइटेड पोलियाना इज टू मीट हर आंट भाई पोलियाना जो कि एक इलेवन ईयर ओल्ड गर्ल है वो अपनी आंट पॉली के पास रहने जाती है उनके साथ रहने ओके आंट पॉली उनकी मदर के सिस्टर थी बट बच्चों आपको पता है वो रहने क्यों जाती है बिकॉज हर पेरेंट्स है डाइड उसके पेरेंट्स मर चुके थे और वो एक ऑर्फनेज में रहती थी ना ऑर्फन एज से उसे आंट पोली के पास ले जाया जा रहा था आंट पोली जो डिस्कवर करती हैं कि उनकी जो नीज है ऑर्फनेज में नहीं वो उनके पास रहेगी आंट पोली प्रिपेयर द एटिक इन हर हाउस फॉर पोलियाना स्टेज भाई आंट पोली के घर में जो एटिक एटिक क्या होता है स्टोर रूम जो होता है हमारे घर में उसको तैयार करवाती है पोलियाना के रुकने के लिए यानी वो रूम उसको ठीक करवाती है रीड दिस एक्सट्रैक्ट from द स्टोरी टू लर्न हाउ एक्साइटेड पोलियाना इज टू मीट हर आंट अब हम इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं और फिर हम ये जानते हैं कि पोलियाना कितनी एक्साइटेड थी आंट पॉली से मिलने के लिए इन ड्यू टाइम केम द टेलीग्राम अनाउंसिंग दैट पोलियाना वुड अराइव इन बिल्डिंग नेक्स्ट डे ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून एट फोर ओ क्लॉक मिस पॉली जो हैं उनको एक लेटर मिलता है ओके okay, टेलीग्राम मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि पोलियाना अगले दिन बिल्डिंग जवेल पहुंचने वाली है ट्वेंटी फिफ्थ जून को चार बजे मिस पॉली रेड द टेलीग्राम मिस पॉली टेलीग्राम को पढ़ती है फ्रॉन्ड थोड़े से एंग्री एक्सप्रेशन देती है देन क्लाइम द स्टेयर्स टू द एटिक रूम और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर एटिक रूम में जाती है अपने स्टोर रूम में शी स्टिल फ्रॉन्ड एड शी लुक्ड अबाउट हर और वो उसको अभी भी उसके एक्सप्रेशन उतने ही एंग्री थे जब वो उसके लिए देखती है यानी अटिक रूम को देखती है अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि रूम कैसा दिख रहा था वो द रूम कंटेन्ड अ स्मॉल बेड उस रूम में एक छोटा सा बेड था नीटली मेड जो काफी नीटली बना हुआ था टू स्ट्रेट बैक चेयर दो बैक चेयर भी थी और वॉश स्टैंड हैंड वॉश करने के लिए ब्यूरो

ओके okay, अटैच होती है और उस पर कोई थिक कर्टन्स भी नहीं थे नो पिक्चर्स ऑन द वॉल और दीवारों पर कोई पिक्चर भी नहीं थी ऑल डे द सन हैड बिन पोरिंग डाउन अपॉन द रूफ एंड द लिटिल रूम वाज लाइक एन ओवन फॉर हीट भाई पूरा दिन सूरज की रोशनी सूरज की किरणें उस रैटिक रूम की छत पर रहती थी और वो रूम कैसा था एक तरह से जैसे ओवन नहीं होता ओवन फॉर हीट इतना गर्म रहता था

नैन्सी मिस पॉली सेट अ फ्यू मिनट लेटर एट द किचन डोर अब जो मिस पॉली हैं किचन डोर के पास जाती हैं और नैन्सी को आवाज लगाती हैं नैन्सी वॉज हेल्पर आई फाउंड फ्लाई अपेयर इन मिस पोलियानाज रूम मैंने अभी अभी एक मक्खी को देखा है ऊपर मिस पोलियाना के रूम में द विंडो मेव बिन रेज्ड एट समाइम भी कभी कभी विंडो को खोल देना चाहिए आई हैव ऑर्डर टू आई हैव ऑर्डर स्क्रीन बट अनटिल दे कम आई शैल एक्सपेक्ट यू टू सी दैट द विंडोज रिमेन क्लोज मैंने अभी अभी स्क्रीन के लिए ऑर्डर किया है लेकिन जब तक वो आती हैं तब तक तो विंडो को क्लोज रखना माई नीज़ विल अराव टमोरो एट फोर ओ क्लॉक मेरी नीज़ कल चार बजे पहुंच जाएगी आई डिज़ायर यू टू मीट हर एट द स्टेशन और मैं चाहती हूँ तुम उसको स्टेशन पर जाकर मिलो टिमोथी विल टेक द ओपन बुक गि एंड ड्राइव यू सून भाई टिमोथी तुम्हें ओपन बुकी ओपन बुक होती है जो घोड़ा गाड़ी होती है एक तरह से उसे बोलते हैं और वो तुम्हें उसके अंदर ले जाएगा ड्राइव यू ओवर तो तुम्हें वहां पर ड्राइव करके ले जाएगा द टेलीग्राम सेज़ लाइट हेयर रेड चैक गिंगम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हैट भाई टेलीग्राम के अकॉर्डिंग उस पोलियाना की यानी उसकी भतीजी की नीस की क्या आइडेंटिफिकेशन है कि भाई तुम कैसे पहचानोगे उसके लाइट हेयर्स हैं लाइट हेयर्स पहले बोलते थे जो बिल्कुल गोल्डन हेयर्स होते थे रेड चेक गिंगम डज यानी रेड एंड वाइट चेक ड्रेस पहनी होगी और एक हैट पहनी होगी दैट्स ऑल आई नो बट आई थिंक इट्स सफिशेंट फॉर योर पर्पज़ भाई जितना मुझे पता है मैंने तुम्हें बता दिया लेकिन तुम्हारे पर्पज़ के लिए ठीक है यानी पर्पज़ क्या था कि तुम उसको स्टेशन पर पहचान पाओगे यस मैम बट यू अब नैन्सी थोड़ा हेजिटेटली पूछती है कि हाँ ओके okay, मैम लेकिन वो पूछती है कि क्या वो नहीं जाएंगी साथ में बट यू मिस पॉली एविडेंटली रेड द पॉज राइट भाई मिस पॉली एविडेंटली रीड द पॉज द राइट यानी जब वो ये कहती है नैन्सी बट यू और ये कह के रुक जाती है कि भाई आप नहीं चलोगे तो वो इस उसकी इस पॉज को समझ जाती है एक्सप्रेशन को फॉर शी फ्रॉन और एंग्रीली एक्सप्रेशन दिखाती है अपने फेस के एंड सेट क्रिस्पली नो आई शैल नॉट गो और क्रिस्पली यानी स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देती है इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई शुड आई थिंक मेरा जाना मुझे नहीं लगता जरूरी है मुझे दैट्स ऑल एंड शी टर्न अवे और ये कह के वो मुड़ कर चली जाती है मिस पॉलीज अरेंजमेंट्स फॉर द कम्फर्ट ऑफ हर नीस पोलियाना वर्क कम्प्लीट मिस पॉली की जो अरेन्जमेंट्स थी उनकी नीस के लिए वो सब कम्प्लीट हो गई थी इन द किचन नैंसी सेंट हर फ्लैट आयरन विद ए वाइश डिग अक्रॉस द डिश शी वॉज आयरनिंग लाइट हेयर रेड चेक गिंगम ड्रेस एंड स्ट्रॉ हेड ऑल शी नोज इन डीड अब किचन में क्या नेंसी अपना वो भेजती है आयरन जिसको वो आ, और ट्रॉवल जिसे वो प्रेस कर रही थी लाइट हेयर और मन मन में बोले जा रही थी क्या कि लाइट हेयर रेड चेक गिंगम ड्रेस है उसकी स्ट्रॉ हेड होगा ऑल शी नोज वो यही जानती है वेल आई आई बी अशेम टू ऑन ऑन इट अब दैट आई वुड आई वुड एंड हर ओनली नीज वट वॉज अ कमिंग फ्रॉम वे अक्रॉस द कॉन्टिनेंट वो कहती है भाई मुझे बड़ा बड़ी शर्म आ रही है मुझे फील हो रही है ऐसे कि मैं जाऊंगी और उनकी एक ही नीस है यानी मिस पॉली की एक ही नीस है जो दूर से आ रही है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट यानी वो किसी दूर देश से आ रही है और वो खुद लेने नहीं जा रही प्रॉम्पली आई ट्वेंटी मिनट्स टू फोर भाई जब चार बजने में बीस मिनट थे द नेक्स्ट आफ्टरनून टिमोथी एंड नैन्सी ड्रॉप ऑफ इन द ओपन बुक टू मीट द एक्सपेक्टेड गेस्ट अब अगले दिन चार बजने में जब बीस मिनट थे टिमोथी और नैन्सी उस ओपन बुग में चले जाते हैं अपने एक्सपेक्टेड गेस्ट यानी पोलियाना से मिलने के लिए नाउ दीज आर द्री क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिमोथी वॉज ओल्ड टोमसॉन यहाँ पे अब टिमोथी का इंट्रोडक्शन टिमोथी कौन था उनके घर में टिमोथी ओल्ड टॉम उनके घर में एक टॉम रहते थे उनका बेटा था इट वॉज टाउन दैट इफ ओल्ड टॉम वॉज लेफ्ट और पूरे शहर में यह कहा जाता था टाउन में ये बात फेमस थी कि मिस पॉली के राइट हैंड टॉम है तो लेफ्ट हैंड टिमोथी था टिमोथी वाज अ गुड नेचर यूथ एंड अ गुड लुकिंग वन एज वेल भाई टिमोथी उसका नेचर तो अच्छा था ही और गुड लुकिंग भी था शॉर्ट एज बीनसी स्टेट दाउस तो अभी ही कुछ दिनों पहले आई थी अभी इतना टाइम नहीं हुआ था लेकिन बहुत अच्छे थे कौन नैन्सी और टिमो थी टूडेन्सी हर यूज एंड ऑलमोस्ट इन साइलेंस टुक द ड्राइव टू द स्टेशन एंड लाइट टू वेट फॉर द ट्रेन आज हालांकि नैन्सी क्या थी वॉज फुलशन फुल ऑफॉर मत कि उसे पता था कि उसे क्या करना है यानी आज उसको पोलियाना को लेके आना है mission, और उसकी खुद से बात करने की आदत यानी खुद से बोलने की ऑलमोस्ट इन साइलेंस और वो चुपचाप स्टेशन पर चली गई और शी वॉज ईगरली वेटेड टू तो वेट फॉर द ट्रेन और बड़ी एक्साइटेड थी

अब वो कहती है आई होप फॉर हर सेक शी इज क्वाइट यानी वो ऐसा क्यों कहती है कि मैं चाहती हूँ इसमें उसी की भलाई है कि वो क्वाइट हो सेंसिबल हो इधर-उधर चीजें ना फेंकती हो दरवाजा ना बजाती हो शी साइड टू टिमोथी और ये लंबी सांस भरते हुए टिमोथी से कहती है हु हैड sauntered up to her sauntered up मींस जैसे इज अ वॉक दब इन अ स्लो एंड रिलैक्स वे जो बड़े रिलैक्स वे से चल रहा था उसको बोलती है ये बात वेल इफ शी शी हेज नो शी इज नॉट नो बडी नोज नो बडी नोज सॉरी ये यहाँ से आता है देखते हैं कहा गया नो बडी नोज वट विल बिकम ऑफ द रेस्ट ऑफ आस ग्रीन टिमोथी इमेजिन मिस पॉली एंड देर गोज दाउ अब वो कहती है नैन्सी की भाई मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ अगर वो ऐसी नहीं हुई तो बाकी हम सब का क्या होगा टिमोथी कहता है ये बात सरकेस्टिकली बोलता है वो ओके okay. अब वो ये कहता है कि सपोज करो मिस पॉली और नॉइजी किड हो और ये कह के एक विसल विसल नाउ यानी विसल किसकी थी ट्रेन की विसल थी अब वो ये बात कह ही रहा था तभी उन्हें एक ट्रेन की विसल सुनाई देती है ओ टिमोथी आई थिंक इट वॉज मीन टू सेंड मी चैटर द सडनली फाइट नैन्सी एज शी टर्न एंड हरी टू अ पॉइंट वेयर शी कुड बेस्ट वॉच द पैसेंजर्स अ लाइट एट द लिटिल स्टेशन अब वो कहती है अरे टिमोथी, आई थिंक अब मुझे भेजने का टाइम आ गया है और वो थोड़ी सी डरी हुई भी होती है और आ, मुड़, वो शी टर्न और मुड़ जाती है और जल्दी से एक ऐसे पॉइंट पर जाकर खड़ी हो जाती है जहां से वो सभी पैसेंजर्स को अच्छे से देख सके शी बेस्ट वॉच द पैसेंजर्स अलाइट एट द लिटिल स्टेशन अलाइट मीन्स गेट ऑफ एट द लिटिल स्टेशन जहां से पैसेंजर्स उड़ते हुए उतरते हुए दिखाई दे

एक्साइटेडली freckled लिटिल फेस Freckled क्या होता है जैसे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं फेस के ऊपर Freckled लिटिल फेस टर्न टू द राइट टू द लेफ्ट यानी वो जो चो छोटी सी लड़की थी वो अपना फेस इधर उधर घुमा के राइट right लेफ्ट कर प्लेनली सर्चिंग फॉर बड़े आराम से किसी को ऐसा लग रहा था ढूंढ रही है नैन्सी न्यू द चाइल्ड एट वंस नैन्सी एक मिनट में यानी तभी की तभी उस चाइल्ड को पहचान गी. But बट नॉट फॉर सम टाइम she कंट्रोल हर शेकिंग नीज सफिशेंटली टू गो टू हर और बट नॉट फॉर सम टाइम यानी ज्यादा देर के लिए नहीं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए उसके जो नीज है बड़े शेक कर रहे थे कि वो उसके पास जाए फटाफट उसे बताए द लिटिल गर्ल वॉज स्टैंडिंग क्वाइट बाई हर सेल्फ वैन नैन्सी फाइनली डिड अप्रोच अब वो छोटी लड़की चुपचाप खड़ी हुई थी जब फाइनली नैन्सी उसके पास जाकर उससे बात करती है आर यू मिस पोलियाना शी फॉल्ट अब वो पूछती है कि क्या आप मिस पोलियाना हैं और फाल्टर मींस हेजिटेंटली यानी हिचकिचाते हुए पूछती है द नेक्स्ट मोमेंट शी फाउंड Herself half smothered in the clasps of two gingham clad arms और जैसे ही उसने ये बात की उसके अगले ही पल क्या होता है कि वो अपने आप को पाती है कि किसी ने उसको हगड कर दिया है बहुत टाइटली उसको पकड़ लिया है और वो किसने पकड़ा था इन द clasps of two gingham clad arms यानी वो जो uh,

और ऑफ हाँ, कोर्स मैं पोलियाना ही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे यहाँ मिलने आई और मैंने ही ऐसा ही सोचा था यू यू डिड स्टैमर नैन्सी वॉकली वॉन्डरिंग हाउ पोलियाना कुड पॉसिबली हैव नॉन हर एंड वांटेड हर अब जो नैन्सी है बड़ी अचरज में फंस जाती है वो हकलाते हुए कहती है स्टेमर्ड नैन्सी जिस, जिसे क्लियर नहीं हो रहा था बड़ी हैरान हो रही थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पोलियाना उसको पहले से ही जानती है और उससे मिलना चाहती थी यू यू डिड शी रिपीटेड वो फिर से पूछती है ट्राइंग टू स्टन हर बोनेट अब बोनेट क्या होता है ट्राइंग टू स्टेडन हर बोनेट बोनेट होता है चेन विद्रेमिंग द वो उसकी जो जो चिन पर बंधी हुई थी देखे जैसे हम छोटे बच्चे को हेड पहना देते हैं उसके नीचे इलास्टिक लगी होती है और उसकी बोनट को यानी उसके इलास्टिक को ठीक करते हुए हेड को ठीक करते हुए स्ट्रेट करते हुए पूछती है ओ यस एंड आई हैव बीन वंडरिंग ऑल द वे हेयर फॉर वॉट यू लुक लाइक प्राइट द लिटिल गर्ल ओ यस ऑफकोर्स वो कहती है और पूरे रास्ते बड़ी हैरान हो रही थी ये सोचते सोचते कि आप कैसी दिखती होंगी डांसिंग ऑन हर टोज और ये बात करते करते ऐसा लग रहा था वो डांस कर रही है एंड स्वीपिंग द एम्बेरेज नैंसी फ्रॉम हेड टू फूट विद हर आईज और उसकी जो एंड स्वीपिंग द एम्बेरेस्ड नैंसी नैंसी जो बड़ी एम्बेरेस्ड हो रही थी उसको उसकी बातें सुन के uh, और क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक नैन्सी को ही देखी जा रही थी एंड नाउ आई नो एंड आई एम ग्लैड यू जस्ट लुक लाइक यू डू लुक और अब मैं बहुत खुश हूँ दैट मीन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था वो कितनी खुश थी उसे लगा कि वो नैन्सी को ही आंट पोली समझ बैठी थी इसलिए वो ये सब बातें कर रही थी एंड आई नो एंड आई एम ग्लैड यू लुक लाइक जस्ट लाइक यू डू लुक और मैं आ, मुझे पता था कि जैसा मैंने सोचा था ऐसे ही दिखना चाहिए आपको नैंसी वॉज रिलीव जस्ट देन टू हैव टिमोथी कम अप अपसी को बड़ा रिलीव मिलता है जब टिमोथी वहां आ जाता है पोलियानज हैड बीन मोस्ट कंफ्यूजिंग पुलियाना के वर्ड उसको बड़े कंफ्यूज कर रहे थे वो समझ नहीं पा रही थी पुलियाना उससे इस, इस, इतनी फ्रेंकली कैसे बात कर रही है बट पुलियाना तो सोच रही थी कि वही उसकी आंट पॉली है दिस इज टिमोथी टिमोथी मे बी यू हैव अ ट्रंक शी ये है और आई थिंक तुम्हारे पास एक ट्रंक भी होगा ट्रंक क्या होता है बेटा जिसमें हम बॉक्स होता है आयरन बॉक्स जिसमें हम अपना सामान रख के लग जाते हैं आप सबके घर में भी होगा और वो हकलाते हुए पूछती है कि ये तो टिमोथी है और तुम्हारे पास कोई ट्रंक वगैरह भी है शी स्टैमट जब मैन से पूछती है कि तुम्हारे पास कोई ट्रंक है यस आई है अब वो क्या कहती है हाँ है नोडिट पोलियाना इम्पोर्टेंटली ओके अरे ये बैटरी भी लो आ रही है एट ए मिनट चलिए बच्चों हम इससे आगे का चैप्टर अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओके टिल देन यू रिवाइज दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट टुडे थैंक यू हैव अ नाइस nice डे